कौन? ओए तुम लोग कहाँ से आ गए हो यार? क्रैश टूर के लिए आए हो यार? मतलब सब्र नहीं होता तुम लोगों से, वीडियो आ रही थी मेरी जान। चलो भाई गए हो तो मैं आप लोगों को क्रैश टूर देता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। क्या चल रहा है यार? ठीक ठाक है आप लोग? फाइनली आप लोगों के लिए क्रैश टूर आपका भाई ले आया है। और आज गर्मी इतनी है लेकिन फिर भी मैंने कहा यार आप लोगों के लिए क्रैश टूर बनाना ही बनाना है, क्योंकि लोग इतने अरसे से कह रहे थे यार जासिफ भाई बाकी हर चीज़ दिखाते रहते हैं, अपनी गाड़ियाँ भी दिखा दें। तो यार आ जाओ आप लोगों को मैं अपनी गाड़ियाँ दिखाऊँ। सबसे पहले मेरे पास है RX-8, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे शौक कैसे डला। बचपन में वाले साहब ने, जब मैं 4 साल का था ना, तो मुझे हॉट व्हील्स की गाड़ी लेके दी थी, बड़ी वाली। और उस वक़्त शाम को गली का हर बच्चा ना आके वो मेरी गाड़ी देखता था, और भाई जो है ना अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द हर एक को इकट्ठा कर लेता था। तो तब से ही मुझे यार बचपन से ही शौक है गाड़ियों का। मैंने कोई और खिलौने से खेला ही नहीं, हमेशा खेला है तो गाड़ियों के साथ और बाइक्स के साथ। तो वही शौक को परस्यू किया, आगे लेके आया। अब बड़ा हुआ तो मैंने खुद जो है अपनी एक कलेक्शन बना ली। तो यार सबसे पहले मेरी कलेक्शन में है 2003 RX-8 टाइप एस है, वेल साइड किट के साथ। और ये जो है गाड़ी काफ़ी यूनिक है क्योंकि इसके कलर की वजह से। पाकिस्तान में सिर्फ 2 RX-8s हैं जिनके ऊपर ये कलर है। इस कलर को कहते हैं नॉर्डिक ग्रीन कलर। एक कराची में है मेरे दोस्त के पास और एक मेरे पास है। टोटल ओरिजिनल गाड़ी है, कभी पेंट नहीं हुई, कभी कुछ इस पर कोई काम नहीं करवाया। इसका इंजन सील पैक है। अच्छा, इसमें जो इंजन आता है वो है 1.36 पोर्ट एंट्री 2 रोटर वेंकल इंजन, और टाइप एस में आता ही है, ठीक है। और टाइप ई में भी आता है, वो 6 पोर्ट एंट्री नहीं होती। अगर इसकी हम हॉर्स पावर की बात करें तो ये 231 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 8000 RPM पे, और 156 पाउंड फुट टॉर्क प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पे। टॉप स्पीड की बात करूं तो यार इसकी टॉप स्पीड है 235, और 230 तक तो मैं खुद लेके गया हूँ। 0 to 100 6 सेकंड में करती है। बाकी आप गाड़ी देख सकते हैं, इसका इंटीरियर भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। टाइप एस में इंटीरियर जो आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आ जाओ तो बॉयज, टाइप एस में यार 2-टोन इंटीरियर आता है, उसके साथ ही आपके पास रिट्रैक्टेबल LCD आ जाती है बीच में। इसका मीटर भी थोड़ा सा चेंज होता है, और इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं। इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं, टोटल जेन्युइन इंटीरियर है यार मेरी गाड़ी का, कभी कोई काम शाम नहीं करवाया। तो ये सीन है। बाकी गाड़ी के अगर आप लोग अराउंड आ जाएं तो आप लोगों को मैं दिखा दूं, इसके ऊपर GTV स्पॉइलर मैंने इंस्टॉल करवाया था। उसके साथ ही पीछे आ जाएं, आप ये डबल एग्जॉस्ट टिप्स देख सकते हैं जिसमें फ्लेम किट लगी हुई है, और ये 4 फुट का फ्लेम थ्रो करती है गाड़ी। वीडियो मैं भी लगा देता हूँ। तो आज यार आप लोगों को मैं अपनी बाकी कलेक्शन दिखाऊं, तो सबसे पहले यार मेरे पास बाइक्स हैं। बाइक्स कुछ वहाँ भी खड़ी हैं, वो बाद में दिखाता हूँ। ये सबसे पहले है R3 रेप्लिका है, 250 cc, ये मुझे गिफ्ट मिला था, तो तब की वैसी खड़ी है, चलाता ही नहीं हूँ मैं। उससे आगे आ जाओगे तो यार आपको मिलेगी 2021 होंडा 150, जो ये नई आई थी पिछले साल। ये मैंने तब ली थी, और मैंने नवंबर में ली है, और तब की खड़ी है, सिर्फ 200 किलोमीटर चली है, और वो भी छोटे भाई ने रनिंग की है तो चली है, नहीं तो मैंने कभी चलाई नहीं। उससे आगे आ जाओगे यार मेरी फ्लीट में, आप लोगों को पता है कि एक जीप होना जरूरी है। ये है 1963 जीप रूबिकॉन, जो कि विलिस जीप थी, उसको हमने कन्वर्ट किया है जीप रूबिकॉन में। इसमें इंजन जो है वो है 1GFE 2000 cc, लेकिन मेरा मूड है कि मैं वो इंजन निकाल दूं। और इसमें पेट्रोल इंजन है, लेकिन मैंने यार डालना है इसमें डीजल इंजन। तो मेरा सीन है कि मैं शायद इसमें 1KZ जो है स्वैप करवा दूं। तो यार इसका आप फ्रंट देख सकते हैं, इसमें जो है आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स इंस्टॉल करवाई गई हैं। हैमर स्टाइल जो है हमने इसमें बम्पर इंस्टॉल किया है, और साथ ही इसकी फ्रंट ग्रिल देख सकते हैं। ये पूरा जो इसका पैनल टाइप है ना, ये बाहर से इम्पोर्ट हुआ था, और ये जीप का ओरिजिनल
ये हमने इसमें इंस्टॉल करवाया था। बहरहाल गाड़ी तो मैंने यार ऐसी ली थी, मैं हम ऐसे ही जा रहा हूँ, जिस भाई ने तैयार की थी उमर भाई हैं और उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गाड़ी तैयार की है, मुझे बड़ी पसंद आई है। सामने अगर देखेंगे तो यार इसमें लाइट्स भी मैंने इंस्टॉल किए, मैंने वो तो इंस्टॉल करवाई थी, आप लोगों को याद ही होगा वो मैंने इंस्टॉल करवाई थी, बस उसके अलावा मैंने इस पर कोई काम नहीं करवाया। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं कितनी बल्कि लुक है गाड़ी की, और डाउन द रोड जब आ रही होती है ना फुल एग्रेसिव लुक देती है। इसमें ऑल ट्रेन व्हील्स हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि वो ऑफ रोडिंग के लिए होते हैं। और आए मैं आप लोगों को यार इसका वो दिखा दूँ, इंटीरियर भी दिखाऊं, ये देखें। अच्छा पहले ये शशका चेक करें ज़रा जीप का, आप पूरा दरवाज़ा खोल सकते हो, अगर शिकार पे जा रहे हो तो शिकार के लिए आप दरवाज़ा खोलो और भाईजान मार दो सबको, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो यार 83 प्राडो का इंटीरियर है, ज़रा इंटीरियर दिखाएं इन्हें। 83 प्राडो का डैशबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, दरमियान में मैंने अभी 10 इंच की जो है स्क्रीन इंस्टॉल करवाई है, उसके साथ बाकी इसके जो है अपने ही वो है सीट्स वगैरह ना। चलो उससे आगे आ जाओ यार, तो मेरे पास है, आ जाओ आप लोग दिखाऊं। वो अगली गाड़ी जो है वो है 2022 MG ZS EV, फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। आप लोगों को याद ही होगा कुछ महीने पहले ही मैंने ये गाड़ी ली थी, और यार ये एक फुल चार्ज में जो है ना ये कम से कम आपको 300 किलोमीटर देती है, जो कि इन सिटी बहुत कमाल गाड़ी है। फुल चार्ज जो है यार 6 से 7 घंटे में चार्ज होती है इसके जो रेगुलर चार्जर पे, और फास्ट चार्जर में ये 1.5 से 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। यार बहुत इकोनॉमिकल गाड़ी है, इसलिए ये मैंने ली थी। तो आ जाओ यार आप लोगों को मैं सबसे पहले तो इसका इंटीरियर दिखाऊं। कम ऑन कम, इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं यार, इसमें 6 एयरबैग्स दिए हुए इन्होंने, और इसमें ब्लैक एक किस्म के रैगजीन का इस्तेमाल किया, उसके साथ पियानो ब्लैक का, और इसमें ग्रे किस्म का ये फिनिश दिया हुआ एक्सेंट का, और माशाल्लाह काफ़ी इकोनॉमिकल गाड़ी है। आज तो यार मूव ऑन टू माई नेक्स्ट कार, कार नहीं है जीप है, आ जाओ वो भी जीप है। ये है 2009 हाइलक्स वीगो, ये साउथ अफ्रीकन मॉडल है जिसमें इंजन आता है 5L। यार इस गाड़ी की थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये गाड़ी मुझे मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी पे गिफ्ट की थी, जिस दिन मैं बर्बाद हुआ था, तो ये गाड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है यार, और उस दिन मेरे वालिद साहब ने ये टोटली मुझे तैयार करके दी थी, इसको ब्लैक रैप करवाया था, रेड का थोड़ा सा टच दिया हुआ था रैप में, और उसमें ये वालिद साहब ने जो है ये लगवाया था इसका हुड स्कूप जो होता है, ब्लैक ग्रिल करवाई थी नीचे, अगर आप ये देखेंगे तो ये बम्पर के ऊपर एक और किस्म का डिफ्यूज़र टाइप ही है, और इसमें LED लाइट्स थी, आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स इंस्टॉल करवाई थी, और पीछे इसका मैं आ जाए आप लोगों को पीछे वो दिखा भी दूँ, पीछे M पावर का जो है क्या कहते हैं इसको यार रोल केज इंस्टॉल करवाया था। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर इसका, ओ गाड़ी की चाबी, इसका इंटीरियर था ब्लैक और ग्रे, मैंने इसको टोटली ब्लैक करवा दिया है। इसमें अभी रिसेंटली मैंने 12 इंच की जो है LCD इंस्टॉल करवाई है, और बाकी आप देख सकते हैं यार टोटली ब्लैक इंटीरियर है। यहाँ से ना नीचे ये ग्रे था, ऊपर ये ऐसे ब्लैक था, मैंने इसको उतरवा के पेंट पोंट करवा दिया, और इसकी आप ये देख सकते हैं पोशिश वगैरह ब्लैक और रेड का कंट्रास्ट दिया था। तो बस ये सीन है इसका। आ जाए तो यार नेक्स्ट जो है मेरी कलेक्शन में है वो है हायाबूसा 2000 मॉडल है। अब 2000 मॉडल मैंने क्यों लिया, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं जासिफ भाई आप नया मॉडल भी ले सकते थे, लेकिन यार मुझे ये पुराना, ये आपको पता है धूम में आई थी, मुझे तब से ये बाइक इतनी पसंद थी, इसलिए मैंने ये ढूंढ के, और ये पाकिस्तान में वाहिद 2000 मॉडल है, आपको मुझे कोई ढूंढ के दिखा दे 2000 मॉडल हायाबूसा मिल जाए किसी को तो यार ये मैं फ्री दे दूँगा, तो इसलिए मैंने ये लिया था। मुझे एक 2010 मॉडल भी पसंद आया हुआ था, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं मैंने लेना है तो यार 2000 मॉडल लेना है, ये कार्बोरेटर वाला है, जो नए वाले मॉडल्स हैं उसमें ना EFI आता है। तो ये देख लें ब्लैक, और इसमें थोड़ा सा जोकर टाइप एडिशन है, ये सारा सीन है इस बाइक का। तो नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है 2000 लैंड क्रूजर V8, इसे VX भी कहते हैं, और V8 है, और इस ये था यार डीजल था, ये इसको कन्वर्ट किया गया है 2006 में, और इसका इंटीरियर भी जो है सीट्स वगैरह इसका मीटर हो गया गियर हो गया वो सब 2006 में कन्वर्ट किया। इसका इंजन भी, इंजन हमने डीजल से पेट्रोल किया, पेट्रोल
हमने डाला इसमें 2UZ, जो आप लोगों को पता यार आते ही क्रूजर्स में जो है 2UZ है। और ये 2UZ जो है यार ये 2006 से पहले जो आया था ना इंजन, क्यों 2006 में आया था, डुअल VVTi आया था 2UZ, वो 285 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, लेकिन ये उससे पहले इंजन आया था ये 235 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। आज इसका इंटीरियर भी मैं आप लोग को दिखा दूं। यार ये देख सकते हैं आप लोग इंटीरियर जो है इसका, स्टॉक इंटीरियर है, लेकिन इसकी जो सीट्स हैं वो हमने 2006 मॉडल की डलवाई थी। इसमें गियर देख सकते हैं, जिगजैग गियर है जो कि इंजन के साथ आता है, यूजली इसमें जो है स्ट्रेट गियर आता है। और इसमें टेस्ला इंस्टॉल करवाई है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसका मीटर मैंने चेंज करवाया था नए मॉडल का, 2006 मॉडल का। इसमें हाइट कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके अलावा इसके आप रिम्स भी देखें यार, ये मैंने अभी रिसेंटली मैंने ये लगवाए हैं रिम्स, ठीक है। आज और नेक्स्ट आप लोगों को मैं बाइक दिखाऊँ। अच्छा एक दफ़ा यार आप सब ने ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी सेटिंग कैसी लगी है, जैसे मैंने गाड़ियाँ पार्क की हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए पार्क किए, कल 2 घंटे लगे थे। तो यार ये देख लें, नेक्स्ट जो है मेरे पास, ओहो इजी इजी, अच्छा नेक्स्ट जो है मेरे पास है 1992 DR600 जो कि मैंने टोटली रिस्टोर किया है, खुद रिस्टोर करवाई है। और इसमें जो इंजन था वो था किक स्टार्ट इंजन। इसकी किक आप जैसा या मेरे जैसा बंदा नहीं मार सकता किक, तो इसलिए मैंने इसमें जो इंजन था वो 2019 मॉडल के DR650 का इंस्टॉल करवाया है। सब स्टार्ट इंजन है, तो इसमें इंजन जो है अभी 650 है। वैसे बाइक ओवरऑल जो है DR600 है, सुजुकी वालों की है, ठीक है। ये भी यार ट्रेल बाइक है, आप लोगों को पता है, पहाड़ों पे लेके जाओ जो मर्जी करो इसके साथ। नेक्स्ट जो मेरी कलेक्शन में है वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है रेंज रोवर। ये 2 महीने पहले वाले साहब को लेके दी थी, ये है 2009 मॉडल रेंज रोवर स्पोर्ट्स सुपर चार्ज 4.8 V8। और यार क्या कमाल चीज़ है, ना पूछो मुझसे, आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत कमाल चीज़ है यार, उठती है मैं कहता हूँ मेरी सारी गाड़ियों में से ना जो मुझे पसंद है इंजन वाइज पावर वाइज वो ये गाड़ी है। तो यार ये आप लोग देख सकते हैं कि टोटली स्टॉक गाड़ी है, इसमें कोई इतना मेजर काम नहीं है। इसका वी मेरा जो गाड़ियां धोता है उससे कहीं घूम गया है, मैंने सामने रखा हुआ है लेके, वो इंशाल्लाह वो मैं लगवा लूँगा। बाकी आप देख सकते हैं यार इसका जो कलर है, इसे कहते हैं मिडनाइट ब्लू। ये रात के टाइम जो है ब्लैक का जैसे शेड है ना, ब्लैक शेड देता है। तो आज यार इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को इंटीरियर दिखाऊं। तो यार इसमें जो है टोटली स्टॉक इंटीरियर है। यूजली वॉक वगैरह में जो इंटीरियर आता है ना वो स्ट्रेट इंटीरियर आता है, गोल्ड बटनों वाला, वो मुझे कभी पसंद ही नहीं आया, इसलिए हमने ये वाली गाड़ी ली थी। इसमें जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा कर्वी स्टाइल इंटीरियर है। इसमें आप देख सकते हैं कि यार लेदर की इन्होंने सीटें दी हैं, और माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह प्यारा इंटीरियर है यार। मैं जब भी बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है किसी हवाई जहाज में बैठ गया हूँ। इसमें हाइट कंट्रोल है, वो वर्किंग में है। इसमें 3 इसके लेवल्स होते हैं हाइट कंट्रोल के, एक ऑफ रोडिंग के लिए, एक नॉर्मल के लिए, एक फुल लो है। और इसमें यार 5 ट्रेन ऑप्शंस हैं ऑफ रोडिंग के लिए। इसमें आप नॉर्मल रख सकते हैं, सैंड है, मड रट्स है, ग्रेवल है और स्नो भी है। तो यार ये सीन है, बाकी आप इंटीरियर देख सकते हैं। चले आ जाए आप लोगों को मैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी दिखाऊं अपनी। इसके रिम्स भी देख ले यार, मुझे इसके रिम्स बहुत पसंद है। रेंज रोवर के अपने ही रिम्स जो है ना अच्छे हैं। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने वीडियो डाली थी कि यार मैं इसको रैप करवाऊं कि ना करवाऊं, लेकिन वो मैंने जो है आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने रैप नहीं करवानी, ये इसी कलर में अच्छी लगती है। आ जाए नेक्स्ट जो मेरी गाड़ी है वो है मर्सिडीज E200 कंप्रेसर 2006 मॉडल है, सुपर चार्ज 1.8 इनलाइन 4। और यार ये मैंने कब ली थी, ये हमने ली थी 2019 में। और देख सकते हैं यार स्टॉक हालत में गाड़ी टोटली। और इसकी यार ये जो हेडलाइट्स है ना वो मैं लेके आया हूँ यूएस कह रहा हूँ, दुबई से लेके आया हूँ। मेरे पास ओरिजिनल वो हेडलाइट्स नहीं पड़ी हुई हैं, वो लगवा दूंगा। वो देख सकते हैं उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी भी है, तो इसलिए मैं नई इंस्टॉल करवाऊँगा। और बाकी यार आप इसका इंटीरियर भी आप लोगों को दिखा दूं आज। अच्छा इंटीरियर से पहले मैं आप लोगों को पीछे ये दिखा दूं, ये स्पॉइलर और मैंने शार्क फिन एंटेना लगवाया था इसके ऊपर। ये ना नए मॉडल्स में आता है,
तो लेकिन मैंने ये जो है इस पर इंस्टॉल करवा दिया था। इंटीरियर जो है इसका अपना स्टॉक इंटीरियर है, ज़्यादातर इसमें कुछ भी नहीं करवाया। हाँ, ये मैंने ज़रूर इसमें चेंजिंग करवाई थी। इसमें जो एसी पैनल है वो दुबई से ला के लगवाया था नए मॉडल का, और इसमें दरमियान में एलसीडी आ गई, ये भी दुबई से आई थी। उसके अलावा यार ज़्यादा कुछ भी नहीं है गाड़ी में। नेक्स्ट और आखिरी गाड़ी जो है वो है होंडा रिबॉर्न 2010 मॉडल 1.8, ओरियल प्रोस्मेटिक नहीं है सॉरी, मैनुअल गाड़ी है। इसमें सनरूफ आता है, रिट्रैक्टेबल शीशे आते हैं और एयरबैग्स आते हैं। आ जाओ ये भी दिखाऊं। फ्रंट पे आप देख सकते हैं यार, इसकी किट जो है म्यूगन आर किट थी। जनाजा उठ गया इसका किट का, पिछले दिनों लग गई है, देखें टूटी हुई है। अभी मैं इसको जुड़वा लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा हाँ, ये किट लगवाई थी मैंने, साइड पर पैनल्स लगे थे, पीछे बम्पर लगा था, और लोकल ये अभी मैंने लिखवा दिया था। अभी इसको मैं लॉक करवाऊंगा, मेरा मूड है पूरा, क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमिली आप लोगों को पता ही है कि मैंने कहा था कि यार मैं टोटली इसको बिल्ड करूंगा जैसे मियां समी राइड्स वाले की बिल्ड हुई भी है, बल्कि उससे अच्छी करूंगा। तो इस पर एयर सस्पेंशन वगैरह रिम्स वगैरह लगा के कैम्बर शैम्बर करके इसको फुल सेक्सी बनाना है हमने, इसलिए ये मैं सेल ही नहीं करता और इसको मैं आम यूज़ के लिए रखी थी मैंने गाड़ी। आज यार आप लोग इसका इंटीरियर भी दिखा दूँ, सारे काम आप लोगों के सामने हुए हैं इस गाड़ी के। इंटीरियर देखेंगे तो यार कोशिश करवाई भी है मैंने ब्लैक और रेड में, और इसमें दरमियान में मैंने टेस्ला लगवाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नीचे इसकी यहाँ लाइट्स लगी हुई हैं बस, बाकी सारा स्टॉक है गाड़ी, ज़्यादा इसमें कोई काम नहीं है। इसके पीछे अगर आप लोग देखें तो यहाँ इसका म्यूगन आर का आ गया स्पॉयलर, उसके साथ नीचे देखेंगे तो HKS का मैंने एग्जॉस्ट लगवाया है, और ये बाकी म्यूगन आर का जो पीछे बैक बम्पर आता है वो इसका एग्जॉस्ट आ गया। बाकी यार ये सिद्धू पाजी की डेथ के बाद ये मैंने स्टिकर लगवाया था, ट्रिब्यूट फ्रॉम मी टू सिद्धू पाजी। तो यार यही था टूर जी वैगन का। आप लोगों को पता ही है कि जी वैगन अभी तैयार हो रही है, वो भी इंशाल्लाह जल्द तैयार हो के इस फ्लीट में आके खड़ी हो जाएगी, और इंशाल्लाह उसको हम बीच में खड़ा करेंगे। तो इसके अलावा यार ये रहा आपके भाई का गराज टूर। इसी के साथ जो है गराज टूर हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं, और आ जाओ लोगों को बाहर भी निकालना, भी गेट से लेके आया था ना गेट के अंदर, बाहर भी निकालना। तो यार गराज टूर यहाँ ख़त्म करते हैं, फार्म हाउस टूर वो भी यार, क्योंकि वीडियो बनाना आप लोगों को पता है गर्मी कितनी है। आज भी यकीन करो हशर निकल गया भाई का, आ जाओ चलते हैं, और रुक क्यों गए आप लोग। तो यार अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। यार आप लोग रुक जाते हो, आ जाओ। तो यार आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज। निकलें बाहर, बाय हो गया, लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, अल्लाह हाफिज।